Hello students, welcome to my YouTube channel. Please subscribe to my channel and press the bell icon for future notifications. Thank you. Hello students, this is Ritu Sharma. आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड जो आपके डाइस के केसेस होते हैं, इसको हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे. और हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, पासा. बेसिकली ये क्या होता है, जब आप देखा होगा, आपने लूडो खेलते हैं आप, तो वहाँ पर हम डाइस का यूज़ करते हैं, तो वही वाले डाइस की ये बात कर रहा है. तो प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड हम काफ़ी सारे केसेस को डिस्कस कर चुके हैं, कॉइन के केसेस को डिस्कस कर चुके हैं. स्पेशली ये वीडियो जो है क्लास टेंथ के लिए है, क्योंकि क्लास टेंथ में इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं जो हम आज डिस्कस करने वाले हैं. तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो उनका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, अदरवाइज आप प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियोज़ को देख सकते हैं. तो शुरू करते हैं जो आज हमें करना है क्लास में, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. तो वीडियो को पूरा देखना है एंड लाइक करना है अगर अच्छी लगती है वीडियो. तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं डाइस के जितने भी केसेस होते हैं या आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, आज हम उनको क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे. अब जो हम बात करते हैं, एक डाइस की बात करते हैं सबसे पहले, कि इफ़ वन डाइस इज थ्रोन वंस, यानी एक पासे को एक बार फेंका. तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जो डाइस होता है आपका, उस पर क्या क्या लिखा होता है, वो कैसा होता है. तो सबने देखा होगा इस तरीके का डाइस होता है, लूडो खेलते हैं हम इससे. अगर नहीं देखा है तो अब आप देख सकते हैं. तो ये जो है, देखो, इसके सिक्स फेसेस हैं डाइस के, और ये क्या है, क्यूब की शेप का होता है, घन के आकार का होता है ये. इस पर क्या क्या लिखा होता है, वन लिखा होता है, देखो ये वन है, टू है, इधर थ्री लिखा हुआ है इस पर, ये इधर फोर लिखा हुआ है, फाइव, और ये सिक्स. तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स पे क्या होते हैं, आपके डॉट्स बने होते हैं, जिससे हमें पता चलता है इस पर वन है, टू है, थ्री है, फोर है, या फाइव है, या सिक्स है. आपके नाइन्थ क्लास में ऐसे भी क्वेश्चन आते थे जिनमें डाइस पे क्या लिखा है, ए बी सी डी ई एफ लिखा हुआ है. लेकिन टेंथ में जो आपके जनरली क्वेश्चन आएंगे उन पर क्या होगा, नंबरिंग हो गया. वन डाइस के केस में तो आप कुछ भी हो सकता है, ए बी सी डी ई एफ भी हो सकता है. लेकिन जब टू डाइस वाला केस हम करेंगे, तो वहाँ पर जो हमें कंसिडर करना है, अगर ये डाइस की बात कर रहा है, तो हमें ऐसा डाइस कंसिडर करना है जिसपे क्या लिखा होता है, जिसके सारे फेसिस पे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स लिखा होता है एक एक फेस पे. तो देखते हैं इस रिलेटेड क्वेश्चन के किस तरीके से होता है. जब हम एक डाइस को थ्रो करते हैं तो इसके ऊपर कुछ भी आ सकता है. जैसे अभी मैंने ये किया, तो मैं दिखाती हूँ इस पर क्या आया, आपका वन आया. अगेन इसको हम थ्रो करेंगे तो इस पर क्या आया, अभी थ्री आया इस पर, ठीक है. तो ऐसे कुछ भी आ सकता है जब हम इसको थ्रो करते हैं. जैसे अभी क्या आया, टू आया, कोई नंबर आपका रिपीट भी कर सकता है, ये जैसे लाइक सिक्स आ गया अभी. तो हमारे जो टोटल आउटकम बनते हैं यहाँ पे, वो क्या क्या हो सकते हैं. तो जब आप एक डाइस को थ्रो कर रहे हैं एक बार, तो जो आपके टोटल आउटकम यानी कुल परिणाम क्या क्या हो सकते हैं, आपका वन आ सकता है, टू आ सकता है, थ्री आ सकता है, फोर आ सकता है, फाइव आ सकता है, सिक्स आ सकता है. क्योंकि मेरे डाइस पे यही नंबर्स हैं, तो इनमें से आपके जब भी आप थ्रो करेंगे कोई भी नंबर आपका यहाँ पे शो करेगा डाइस, जब आप थ्रो करोगे तो. और हम यहाँ पे डाइस की बात कर रहे हैं, तो हम एक फेयर डाइस की बात कर रहे हैं जिसपे ये सारे नंबर्स लिखे होंगे एक एक बार. अब यहाँ पे ये क्या बोलता है आपसे, कि अगर आपने डाइस को थ्रो किया, ठीक है, और हमारे माइंड में एकदम से आ गया कि हमारे टोटल आउटकम क्या होते हैं, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, तो टोटल आउटकम हमारे कितने हो गए, सिक्स हो गए. क्योंकि सिक्स फेसेस है डाइस के, उस पर सिक्स तक नंबर लिखे हुए हैं. ये सिक्स से कोई मतलब नहीं है, इसका ये वाला सिक्स ये नहीं है, लेकिन इसके ऊपर सिक्स फेस है और सिक्स फेसेस पर कुछ ना कुछ लिखा हुआ है. तो सिक्स टाइप के आउटकम यहाँ पर हमारे पास हैं, इसलिए यहाँ पर टोटल आउटकम या कुल परिणाम क्या हो गए, हमारे छः हो गए. अब ये बोल रहा है कि इफ़ वन डाइस इज थ्रोन वंस, देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ, फाइंड प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता ज्ञात कीजिए किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करने की बात करेगा ये. सपोज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वन और गेटिंग वन, इसको इस तरीके से हम लिख सकते हैं, एग्जाम में कैसे भी बोल देगा. गेटिंग वन मतलब आपके आपका क्या है, एक आए उस पासे पर, इसकी प्रायिकता क्या होगी. तो सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला पता होना चाहिए. और प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम. हिंदी में इसको क्या बोलते हैं हम, संभव परिणाम डिवाइड बाय कुल परिणाम. तो जैसे यहां पे इसने बोला प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वन,
अब हमें देखना फेवरेबल आउटकम यहाँ पे, फॉर्मूला क्या है, फेवरेबल अपॉन टोटल। तो टोटल हमें पता है यहाँ पे 6 होगा किसी भी केस में, टोटल आउटकम क्या है हमारा 6 है डाइस के केस में जब आप 1 डाई को थ्रो कर रहे हैं। तो अब हमें देखना है कि 1 कितनी बार उस डाइस पे लिखा हुआ है, क्योंकि फेयर डाइस है, तो 1 जो है एक ही बार लिखा होगा ना, तो हमारे लिए फेवरेबल आउटकम क्या हो गया, 1 हो गया अपॉन में टोटल क्या हो गया 6 हो गया। और ये क्या हो गया हमारी, इसकी प्रोबेबिलिटी होगी कि गेटिंग 1 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1 अपॉन में 6। लेकिन अगर ये हमसे पूछता प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2, मतलब आपका क्या आए उस पासे पर, क्या आए 2 आए, जब आप एक पासे को फेंक रहे हैं एक बार तो उस पर 2 आएगा, इसकी क्या प्रायिकता होगी। तो अब हमें देखना है फिर से फेवरेबल या संभव परिणाम क्या है। अब देखो एक डाइस पे 2 भी कितनी बार लिखा होगा, एक ही बार लिखा होगा, कितनी बार लिखा होगा एक ही बार। हमें यहाँ पे ये कंफ्यूज नहीं होना है कि यहाँ पे अच्छा 2 आने के लिए प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है ना, तो 2/6 कर दे, क्योंकि 1 के लिए हमने 1/6 की, तो 2 के लिए 2/6 कर दे, वो गलत हो जाएगा। हमें ये देखना है उस डाइस के ऊपर 2 कितनी बार लिखा हुआ है, तो 2 क्या है सिर्फ एक बार लिखा हुआ है, तो उसके लिए भी संभव परिणाम क्या हो गया, 1 हो गया, क्योंकि ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 सब कितने बार लिखे हुए हैं, एक बार लिखा हुआ है, तो इसके लिए प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/6। 2/6 क्यों नहीं हुई, क्योंकि वो नंबर 2 है, लेकिन वो कितनी बार लिखा हुआ है, एक ही बार लिखा हुआ है ना उस डाइस के ऊपर, तो हमारी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1/6। सिमिलरली आपसे किसी की भी प्रोबेबिलिटी पूछे, लाइक गेटिंग 3, गेटिंग 4, गेटिंग 5, गेटिंग 6, सबकी प्रोबेबिलिटी जो होगी आपकी क्या होगी 1/6 होगी। तो हम इससे रिलेटेड कुछ और केसेस को देखते हैं। अब अगर ये बोले फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर, यानी कि उस पासे पर क्या आएगा आपका सम संख्या आएगी, क्या आएगा सम संख्या। तो अब हमें वही देखना फेवरेबल आउटकम। अब इवन नंबर क्या होते हैं या सम संख्या क्या होती है, ऐसे नंबर जो 2 से पूरा पूरा क्या हो जाते हैं, डिवाइड हो जाते हैं या डिविजिबल होते हैं 2 से। तो अब हमें यहाँ पे वो नंबर सेलेक्ट करने हैं जो 2 से क्या हो जाएं, कंप्लीटली डिवाइड हो जाएं, या वो क्या हो इवन नंबर हो या सम संख्या हो। तो हमें पता है भाई 2 से 2 है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो 2 एंड 3 2 से डिवाइड नहीं होगा कंप्लीटली, 4 लेकिन 2 से आपका डिवाइड हो जाएगा, तो 4 हो गया आपका फेवरेबल आउटकम में। एंड 6 5 तो नहीं होगा, फिर 6 हो जाएगा आपका डिवाइड, तो 6 भी क्या हो गया आपका फेवरेबल आउटकम हो गया यहाँ पे। तो अब देखो इसने बोला इवन नंबर, इसने स्पेसिफाई नहीं किया, इसने बोला सिर्फ इवन नंबर होना चाहिए, वो कोई भी इवन नंबर हो सकता है जो भी यहाँ पे हमारे पास नंबर अवेलेबल है। तो 2, 4, 6 में से कोई भी नंबर अगर आएगा तो आप क्या बोलोगे, भाई इवन नंबर आया है तो हमारे पास इवन नंबर के लिए फेवरेबल आउटकम क्या हो गए 2, 4, 6। तो टोटल फेवरेबल आउटकम कितने हो गए यहाँ पे हमारे पास 3, तो 3 अपॉन में, और टोटल आउटकम क्या है हमारे पास 6 है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ गई 1/2। सिमिलरली अगर ये पूछता हमसे गेटिंग ऑड नंबर, अब यहाँ पे सिमिलर आपको देखना है ऑड नंबर क्या क्या है ना, तो ऑड नंबर क्या हो गया 1, 3, 6, जो 2 से डिवाइड नहीं होते, विषम संख्या जो 2 से भाग नहीं होती पूरी पूरी, तो 1, 3, और 5, तो यहाँ पे भी क्या है 3 संख्या होगी ना 1, 3, 5, तो इसकी भी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 3/6 यानी 1/2। नेक्स्ट अगर ये पूछ ले गेटिंग प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या, अब अगेन हमें पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर होते क्या हैं। बहुत कंफ्यूज होते हैं बच्चे ऑड नंबर में या फिर प्राइम नंबर में, या फिर कुछ कुछ 1 को भी कंसीडर कर लेते हैं प्राइम नंबर में, तो आज इसको हम समझ लेते हैं अच्छे से। तो प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं या अभाज्य संख्या वो संख्याएं होती हैं जो 1 के अलावा और अपने टेबल के अलावा किसी और से डिवाइड नहीं होती। मतलब लाइक 3 है, 3 या तो 1 से डिवाइड होगा या सिर्फ ये 3 से डिवाइड होगा कंप्लीटली, तो ये क्या है आपका एक प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर क्या होता है आपका, ऐसे नंबर जो सिर्फ खुद से डिवाइड होते हैं या 1 से डिवाइड होते हैं। तो 1 से तो बेसिकली सारे नंबर डिवाइड हो ही जाते हैं, तो जो नंबर खुद से डिवाइड होते हैं उनको हम बोल सकते हैं अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर। तो अब यहाँ पे और क्या कंफ्यूजन होती है कि ऑड नंबर कंसीडर कर लेते हैं बच्चे प्राइम नंबर में या अभाज्य संख्या में, तो जो 1 है आपका ये ऑड नंबर तो है लेकिन ये प्राइम नंबर नहीं है, 1 को हम प्राइम नंबर में कंसीडर नहीं करते। तो हम कहाँ से शुरू करेंगे, फिर हम जाएंगे 2 पे। अब 2 पे बच्चे क्या कंफ्यूज होते हैं, अच्छा ये तो इवन नंबर है सम संख्या है तो ये प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन प्राइम नंबर का कॉन्सेप्ट क्या है, जो नंबर खुद से डिवाइड होते हैं। तो 2 भैया ऐसा ही नंबर है जो सिर्फ खुद से डिवाइड होगा, तो 2 आपका प्राइम नंबर है, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, 2 है आपका प्राइम नंबर। आगे चलते हैं 3 को देखते हैं, 3 भी क्या है आपका खुद से डिवाइड होगा तो ये भी क्या है आपका एक प्राइम नंबर है। फिर 4, अब देखो 4 तो 2 से डिवाइड हो जाता है तो ये प्राइम नंबर नहीं है। फिर से 5 जो है आपका 5 से डिवाइड होगा तो 5 क्या है आपका प्राइम नंबर है। 6 क्या है, 2 और 3 दोनों से ही डिवाइड हो जाता है तो ये भी प्राइम नंबर नहीं है। तो फिर से देखो प्राइम नंबर के लिए हमारे पास फेवरेबल आउटकम क्या आ गया, 2, 3, 5, तो 3 है ना ये नंबर 1, 2, 3, 3 है हमारे पास फेवरेबल आउटकम, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी भाई 3 फेवरेबल अपॉन में टोटल, कुल परिणाम कितना है हमारे पास 6 ही है यहाँ पे, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/2। अगर इसी में लेकिन ये पूछ लेता गेटिंग
इवन प्राइम नंबर, यानी सम अभाज्य संख्या। तो इवन प्राइम नंबर क्या होता है आपका? वो नंबर जो इवन भी हो और प्राइम भी हो। अब हमें प्राइम नंबर तो पता है, जो हमारे पास डाइस पे होते हैं आउटकम्स, उसमें हमारे पास प्राइम नंबर क्या होता है, यानी सम अभाज्य संख्या, एक ऐसी संख्या जो सम भी हो और अभाज्य भी हो। तो हमने देखा प्राइम नंबर क्या कहते हैं हमारे पास, 2, 3, 5। अब इसमें इसने एक और कंडीशन दे दी कि भाई वो नंबर ना इवन भी होना चाहिए, सम भी होना चाहिए। तो अब इन तीनों में से आपको देख लो कि वो इनमें से कौन सा इवन नंबर भी है, सम संख्या भी है। तो इवन नंबर क्या था, जो दो से डिवाइड हो जाते हैं, तो 2, 2 से डिवाइड हो जाएगा भाई। तो 2 हमने ले लिया कि भाई ये प्राइम नंबर भी है और इवन नंबर भी है। अब 3 तो 2 से डिवाइड नहीं होता, ना 5 डिवाइड होता, तो ये इवन प्राइम नंबर नहीं है। और ये भी आपको पता होना चाहिए कि जो 2 है ना, वो एक इकलौता इवन प्राइम नंबर है, क्योंकि बाकी कोई भी इवन नंबर होगा आगे जाके वो 2 से डिवाइड हो जाएगा, लेकिन 2 क्या है आपका, इवन भी है और ये सिर्फ खुद से ही डिवाइड हो रहा है, यानी कि ये सम भी है और अभाज्य भी है। तो हमें पता चल गया भाई ये जो 6 नंबर लिखे हैं ना, इनमें से इवन प्राइम नंबर क्या है, 2 है। तो हमारे पास फेवरेबल आउटकम कितना हुआ भाई, देखो 2 सिर्फ एक ही बार तो होता है ना डाइस के ऊपर, तो एक ही हुआ ना फेवरेबल आउटकम हमारे पास, तो 1/6। और इस तरीके से हमारा आंसर आ जाएगा। कुछ और देखते हैं, एक दो क्वेश्चंस। आई होप आपने ये नोट कर लिया होगा, या फिर वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट कर सकते हैं। अब अगर ये बोलता प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर गेटिंग मोर देन 4, यानी 4 से अधिक संख्या आना, तो एक संख्या जो 4 से अधिक हो, इसकी हमें क्या निकालनी है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा भाई फेवरेबल आउटकम कितने हैं मोर देन 4 नंबर के लिए। तो देखो इसने मोर देन 4 बोला है, तो मोर देन 4 हमारे पास डाइस पे क्या होता है, 5 और 6 होता है। तो 5 और यहाँ पे क्या आ गया आपका, 6। तो अब हमारे पास फेवरेबल आउटकम कितने हो गए, 2 ही नंबर ऐसे है ना डाइस के ऊपर जो मोर देन 4 है, तो हमारा फेवरेबल आउटकम क्या हो गया, 2। तो हमारी प्रोबेबिलिटी क्या आ गई भाई, 2 अपॉन में टोटल कितना है, 6, यानी कि 1/3। आगे देखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ, अगर ये बोलता गेटिंग 3 और मोर देन 3, यानी कि 3 या 3 से अधिक, मतलब वो नंबर क्या हो, या तो 3 हो या 3 से अधिक हो, या मतलब ज्यादा हो 3 से। तो अब यहां पे हमें देखना है कि 3 से ज्यादा क्या क्या नंबर हैं, 4, 5 और 6। अब ये तो 3 से ज्यादा है, लेकिन इसने क्या बोला, गेटिंग 3 और मोर देन 3, मतलब 3 भी हो या फिर 3 से क्या हो, मोर देन हो, 3 हो या 3 से अधिक हो। तो हमें यहाँ पे 3 को भी क्या करना है, इंक्लूड करना है। यहाँ पे इसने सिर्फ क्या बोला था, मोर देन 4, तो हमने मोर देन 4 को ही कंसीडर किया था, यहाँ पे हमने 4 को कंसीडर नहीं किया था, लेकिन यहाँ पे क्या बोला, 3 या 3 से अधिक, तो हम 3 को भी कंसीडर करेंगे। तो हमारे पास फेवरेबल आउटकम कितने हो गए, 1, 2, 3, 4। तो फेवरेबल हो गया हमारे पास 4, यानी संभव परिणाम 4 हो गए, बटे में कुल परिणाम कितना है, 6 है। ये यहाँ पे हमने देखा था ना टोटल आउटकम कितना है, 6। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ गई आपकी, 2/3। तो इससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा ना, आपको क्वेश्चन को समझना है कि वो क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, और उस हिसाब से आपको प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है वहाँ पे। तो हम नेक्स्ट देखते हैं कि ये तो 1 डाइस का केस था, अगर 2 डाइस का केस होगा तो वहाँ पे हमारे टोटल आउटकम क्या होते हैं, और उनमें वहाँ पे हम डिफरेंट केसेस की प्रोबेबिलिटी कैसे सॉल्व करते हैं। तो अब हम देखते हैं कि जब ये बोलेगा व्हेन 2 डाइस आर थ्रोन वंस एंड 1 डाइस इज थ्रोन 2 टाइम्स, एक ही बात होती है कि आप दो पासों को एक बार फेंकें या फिर एक पासे को दो बार फेंकें, जो आपके नंबर ऑफ आउटकम्स होंगे वो क्या होंगे, सेम होंगे और इक्वल होंगे। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि ये बोलना क्या चाह रहा है, इसका मतलब क्या है। तो देखो जैसे कि सपोज ये 2 डाइस है मेरे पास और मैंने इनको थ्रो किया, तो एक डाइस पे क्या आया आपका, 6 आया, और दूसरे पर क्या आया, 3 आया। एक पेयर ये बन गया आपका कि जब आपने 2 डाइस को थ्रो किया तो 6 या 3 आ सकता है। एक पेयर क्या हो सकता है आपका कि आपने जब थ्रो किया ना, एक पे देखो इस पे क्या आया है, 2 आया है, और इस पे क्या आया है, 1 आया है, तो ये आपका पेयर बन सकता है। या फिर जब आप 2 डाइस को थ्रो कर रहे हैं तो कुछ भी आ सकता है, डिफरेंट आउटकम्स, ठीक है। या फिर जैसे इसने बोला कि 1 डाइस को आप थ्रो कर रहे हो 1 टाइम, एक डाइस को, सॉरी 1 डाइस को आप थ्रो कर रहे हो कितनी बार, 2 बार, एक ही पासे को 2 बार फेंके, तो भी सेम कैसे होगा रिजल्ट। तो देखो जैसे कि अब मेरे पास एक ही डाइस है, लेकिन मुझे 2 डाइस वाला केस करना है, तो मैंने ना इसको थ्रो किया, मैंने देखा इस पे 5 आया, अच्छा यानी कि जब पहली बार फेंका तो इस पे क्या आया, 5 आया, और जब मैंने दूसरी बार फेंका इस पे तो क्या आया, 1 आया। तो हमारे एक केस बन गया कि 5 और 1, एक बार 5 आया और दूसरी बार क्या आया, 1 आया। तो आपका एक तरीके से केस बन गया, आपके पास 2 डाइस नहीं है तो भी आप उसको इस तरीके से कर सकते हो। तो हमारे पास जो टोटल केसेस बनते हैं यहाँ पे, वो अभी हम यहाँ पे देखेंगे। तो जो टोटल केस बनते हैं, जैसे अभी मैंने आपको डाइस को थ्रो करके दिखाया था, किसी पे 1 आया तो किसी पे 5 आया, किसी पे 2 आ गया तो किसी पे 4 आ गया। तो इस तरीके से देखो हमारे कितने केसेस बनते हैं आपके, टोटल
जो भी केस बनता है देख लेते हैं। देखो फर्स्ट टेस्ट पे हो सकता है वन आए और सेकंड पे भी क्या आ जाए, वन आ जाए। इसको मैंने सिस्टमेटिकली लिखा है, आने को कुछ भी आ सकता है, लेकिन ना जब आप इसको सिस्टमेटिकली लिखेंगे ना तो आपको एग्जाम में ना ये केसेस लिखने में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो सबसे जो अच्छा तरीका है वो क्या है, मे बी वन आ सकता है, दूसरे पे भी वन आ सकता है, फिर फर्स्ट पे आप वन ही रखो। अभी फर्स्ट वाले पे हम ये कंसिडर कर रहे हैं कि सब फर्स्ट पे क्या आएगा, वन ही आएगा, तो वन आ सकता है। फिर सेकंड पे क्या आ सकता है, टू, क्योंकि वन वन वाला केस हो गया। ऐसे ही वन आ सकता है, थ्री आ सकता है, फिर फर्स्ट पे वन लेके चल रहे हैं हम तो सेकंड पे फोर आ सकता है। फर्स्ट पे वन और सेकंड पे फाइव, फर्स्ट पे वन एंड सेकंड पे सिक्स। सिमिलरली अब वन के केस हो गए कि अगर फर्स्ट पे वन आएगा तो और केसेस दूसरे वाले के क्या हो सकते हैं। अब हम फर्स्ट पे कंसिडर कर रहे हैं कि टू आ सकता है फर्स्ट पे, और हम ये फिर से शुरू से सिस्टमेटिकली लिख रहे हैं। तो सपोज फर्स्ट पे क्या आया, टू आया, तो सेकंड पे क्या आ गया, वन आ गया। फिर फर्स्ट पे टू आया और सेकंड पे भी क्या आ गया, टू, फर्स्ट पे टू और सेकंड पे थ्री। इस तरीके से हमने सारे केस लिख लिए, देखो टू फोर टू फाइव टू सिक्स, फिर थ्री वन थ्री टू थ्री 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 फोर थ्री फाइव थ्री सिक्स, फोर वन फोर टू फोर थ्री फोर 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 फाइव फोर सिक्स, फाइव वन फाइव टू फाइव थ्री फाइव फोर फाइव 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 सिक्स, सिक्स वन सिक्स टू सिक्स थ्री सिक्स फोर सिक्स फाइव सिक्स सिक्स। तो इस तरीके से आप सारे केसेस लिख सकते हैं और यहाँ पे कोई भी गलती नहीं होगी, कोई केस नहीं छूटेगा इसमें आपका, और कन्फ्यूजन नहीं होगी कोई भी। तो ये टोटल केस कितने बने, 36। तो इस तरीके से भी आप बोल सकते हो कि देखो आप एक डाइस पे कितने आउटकम होते हैं, सिक्स होते हैं, और हम कितने यहाँ पे जो है टू डाइस को थ्रो कर रहे हैं, तो सिक्स की पावर टू इज इक्वल्स टू 36 केसेस बनते हैं यहाँ पे हमारे। और प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला हमारा वही है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम, और टोटल आउटकम क्या है यहाँ पे हमारे पास, 36। क्या था फॉर्मूला, संभव परिणाम बटे में कुल परिणाम, किसका, प्रोबेबिलिटी का। तो अगर क्वेश्चन ये पूछता है कि इफ टू डाइस आर थ्रोन वंस और वन डाइस इज थ्रोन टू टाइम्स, तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम ऑन बोथ डाइस इज 8, कि दोनों पासों का जो योग है वो कितना आएगा, 8 आएगा। तो अब हमें यहाँ इन आउटकम में से फेवरेबल आउटकम ढूंढना है अपना, कि अगर टू डाइस को थ्रो किया जा रहा है तो ऐसा कितनी बार होगा कि सम जो है दोनों डाइस का कितना आएगा, 8 आएगा। तो यहाँ पे देखो वन और वन का सम, दोनों डाइस का सम करना है हमें, कितना होता है, टू, तो ये नहीं होगा। थोड़ा यहाँ पे देखते, देखो वन और सिक्स है तो ये कितना आ रहा है, सेवन आएगा ना इनका सम, तो एट चाहिए हमें। तो इसमें भी यहाँ तक देखो टू और फाइव कितना हो रहा है, सेवन, तो टू सिक्स कितना आता है सम, एट आता है। तो हमें एक फेवरेबल आउटकम मिल गया हमारा, टू सिक्स। और देखते हैं फेवरेबल आउटकम थ्री वाली लाइन में, तो थ्री और फोर तो सेवन होता है, थ्री फाइव कितना होता है, एट होता है। तो एक फेवरेबल आउटकम मिल गया हमें। अब देखो थ्री सिक्स क्या होता है, नाइन, हमें चाहिए एट, तो हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे। नेक्स्ट इज फोर, फोर हमें मिल गया हमारा फेवरेबल आउटकम, क्योंकि इनका भी सम कितना होता है, एट। अगेन फाइव थ्री, फाइव थ्री भी कितना होता है आपका, एट होता है। फिर उसके बाद सिक्स टू, ये भी क्या होगा आपका, एट होगा। तो टोटल केस कितने मिल गए हमें, वन टू थ्री फोर फाइव। तो टोटल फेवरेबल आउटकम हो गए हमारे फाइव। और फॉर्मूला क्या, फेवरेबल अपॉन टोटल, यानी संभव परिणाम बटे कुल परिणाम। तो हमारा आंसर क्या आ गया आपका, फाइव अपॉन में 36। अब अगर ये पूछता प्रोबेबिलिटी ऑफ सेम नंबर ऑन बोथ डाइस, यानी दोनों पासों पर समान संख्या आना, किस पर, दोनों ही डाइस पर क्या हो आपका, सेम नंबर हो, मतलब अगर एक डाइस पे वन आया है तो दूसरे पे भी वन आएगा, या एक पे टू आया है तो दूसरे पे भी टू आएगा, इसको हम बोलते हैं सेम नंबर ऑन बोथ डाइस। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है, तो अब हमें फिर से यहाँ पे से चूज करना है कि इसके लिए फेवरेबल आउटकम क्या क्या हो सकता है। तो देखो वन वन सेम नंबर है ना डाइस पर, तो एक ही हमारा फेवरेबल आउटकम हो गया। उसके बाद इसमें और कोई सेम नहीं है, फिर टू वाले में टू टू क्या है आपका, सेम हो गया। थ्री थ्री आपका सेम हो गया, अगेन फोर फोर, फिर यहाँ पे ये देखो फाइव फाइव, और ये आपका सिक्स और सिक्स। तो कितने हो गए हमारे पास फेवरेबल आउटकम, सिक्स हो गए, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स अपॉन में, तो सिक्स अपॉन में टोटल कितना है, 36। अब ये तो कैंसिल भी हो जाएगा ना भाई, सिक्स से सिक्स टाइम 36, तो हमारा आंसर आ गया 1/6। अगर ये हमसे बोले क्या कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर ऑन बोथ डाइस, मतलब दोनों पासों पर क्या आया आपकी, सम संख्या आए, इसने बोला इवन नंबर ऑन बोथ डाइस, सम संख्या आए आपकी दोनों ही पासों पर, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। अब हमें अगेन काउंट करना है कि दोनों डाइस पर क्या आए, इवन नंबर आए। तो अब देखो जो वन वाली है ये आपकी रो, इसमें एक डाइस पर तो वन है, दैट मीन्स एक डाइस पर क्या है आपका, ऑड नंबर है, तो हम इस वाली रो को कैंसिल कर देते हैं, इसमें से कोई भी हमारा फेवरेबल आउटकम नहीं होगा। अगेन इसने बोला इवन आना चाहिए बोथ पर, तो टू वन, तो इसमें वन क्या है, एक पर क्या हो गया आपका, ऑड नंबर हो गया ना, तो ये इसका फेवरेबल आउटकम नहीं है। लेकिन टू टू दोनों पर क्या है, इवन नंबर है ना, तो ये आपका फेवरेबल आउटकम हो गया। अगेन टू फोर
और क्या हो जाएगा, 2 6, आप फटाफट से चूज़ करो अपना आप। फिर 4 1 तो क्या है, ऑड है ना, तो 4 2 4 4 4 और ये 4 6, ऐसे ही 6 2 6 4 और ये 6 6, तो कितने हो गए हमारे पास टोटल आउटकम, फेवरेबल आउटकम 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो फेवरेबल हो गया 9 अपॉन में टोटल कितना हो गया 36। इसको आप कैंसिल करोगे 9 से तो ये 4 आ जाएगा और हमारी प्रोबेबिलिटी के आगे 1 अपॉन में 4। तो और केसेस देखते हैं इससे रिलेटेड, ये नोट कर लेना वीडियो को पॉज करके। अब ये ऐसे भी बोल सकता है आपसे कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर ऑन एनी डाइस, मतलब किसी भी पासे पर विषम संख्या आना। अभी देखो जो लास्ट केस हमने किया अभी इससे पहले वाला, उसमें हमने बोला कि इवन नंबर आना चाहिए बोथ डाइसेस पर, ठीक है, लेकिन ये अब क्या बोल रहा है कि ऑड नंबर आए एनी डाइस पर, किसी एक डाइस पर भी आएगा ना तो भी हमारा काम चल जाएगा, वो हमारा फेवरेबल आउटकम होगा। तो जो आपकी वन वाली रॉ है इसमें एक पे तो एटलीस्ट वन तो है ही ना सब पे, तो यानी कि एक डाइस पर तो आ ही रहा है आपका ऑड नंबर, अगर दोनों पे भी आएगा तो भी चलेगा और सिर्फ एक पे भी आएगा तो भी चलेगा। तो ये हमारी वन वाली रो 1 1 से लेके पूरा 1 6 तक हमने ले ली, क्योंकि इसमें एक डाइस पर ऑड नंबर आ रहा है। सेकंड वाले में देखो 2 1 है आपका ऑड नंबर, मतलब एक डाइस पर ऑड नंबर आ रहा है। अब ये तो 2 2 है, दोनों पे क्या आ रहा है आपका इवन नंबर आ रहा है, तो ये हमारा फेवरेबल आउटकम नहीं है। 2 3 है आपका एंड 2 5 है, तो 2 3 2 5 और 2 1 2 1 था, 2 3 और 2 5, ये हमारे केस बन रहे हैं किसके, ऑड नंबर ऑन एनी डाइस। तो देखो 6 आउटकम आपके यहाँ से हो गए, 3 यहाँ से हो गए, कितने हो गए 9। अगेन इसमें भी क्या है आपका, 3 जो है आपका ऑड नंबर है तो एक डाइस पे तो ऑड नंबर आ ही रहा है ना, तो 9 और 6 कितना हो गया हमारा 15 आउटकम यहाँ से बन गए आपके पास। फिर इसमें भी 3 बनेंगे, जैसे 2 वाली रॉ में 3 बने थे ना, तो 18 हो गए, 15 और 3 18। अब इसके बाद 5 वाली रॉ अगेन पूरी जाएगी आपकी, क्योंकि इस पे एक डाइस पे ऑड नंबर है, तो 18 और यहाँ पे कितने हो गए आपके पास, ये 18 और 6 24 और ये यहाँ से 3 जाएगा, तो ये 3 डाइस पे क्या है आपका ऑड नंबर आ रहा है। तो टोटल केस यहाँ पे आप देख लेना एक बार, जैसे मैंने यहाँ पे लिखे हैं ना इस तरीके से आप लिख लेना, तो हमारे पास टोटल आउटकम कितने आ गए 27 आउट नंबर ऑन एनी डाइस, कितना है 27 अपॉन में टोटल आउटकम क्या था 36। तो इसको जब आप कैंसिल करेंगे ना इससे 9 से, तो 9 3 27 और ये 4 टाइम जाएगा 9 से, तो 3/4 के आ गई आपकी प्रोबेबिलिटी आ गई। अगर ये आपसे पूछता कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम ऑफ बोथ डाइस इज 12, कितना सम आना चाहिए आपका, जो योग है दोनों डाइस का वो कितना आना चाहिए 12 आना चाहिए। तो यहाँ पे आपको अगेन देखना है कि दोनों डाइस का सम कितना आए 12 आए। तो यहाँ पे देखो अब ये तो सब छोटे छोटे हैं, 1 और 6 का सम हाईएस्ट कितना आ रहा है 7 आ रहा है, इसमें हाईएस्ट कितना आ रहा है 8, इसमें 9, 4 और 6 कितना हो गया 10, 5 6 11, तो ये तो कोई भी नहीं होगा क्योंकि इनमें हाईएस्ट वाला क्या है 12 से कम है, इसने बोला 12। तो यहाँ पे देखो ये माइनस नहीं है, ये सिर्फ 12 है कि सम कितना है 12 है, तो 6 और 6 कितना होता है आपका 12 होता है। तो इन 36 में से ना एक ही आउटकम है 6 6, जो आपका क्या है इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। तो हमारे पास फेवरेबल आउटकम कितना हो गया 1, ये दोनों ही है एक ही सेट है ना ये एक तरीके से 6 और 6 का, तो ये 1 फेवरेबल आउटकम हो गया आपका अपॉन में 36 और इस तरीके से हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर ये बोलता प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग जो दोनों डाइस का सम है ना वो लेस देन 2 आए, क्या आए लेस देन 2, या फिर ये बोले 1 आए, दोनों डाइस का सम कितना आए 1 आए, लेस देन 2 यानी कि 2 से कम। तो अब देखो यहाँ पे आपको देखना है क्या किसी भी सेट में या किसी भी ऐसे जो आउटकम है आपका वो जो सम है क्या लेस देन 2 आता है, क्या 2 से कम आता है क्या। अब देखो सबसे छोटा हमारे पास क्या है 1 और 1 है और इनका सम कितना आता है 2 आता है, तो क्या यहाँ पे कोई भी ऐसा केस बनेगा हमारे पास जिसका सम लेस देन 2 आएगा। ऑब्वियसली हमने देखा कि जो सबसे कम है 1 और 1 है, इसका सम 2 आ रहा है, तो 2 से कम तो यहाँ पे कोई भी आपका फेवरेबल आउटकम नहीं है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई 0। हमें पता है कि जो इम्पॉसिबल आउटकम होता है 2 डाइस के केस में ना, ये इम्पॉसिबल है कि दोनों डाइस का जो सम है वो क्या है लेस देन 2 आए, तो इम्पॉसिबल जो आपका इवेंट होता है या असंभव घटना होती है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है 0। अगर ये आपसे पूछता कि सम ऑन बोथ डाइस क्या आए 13 आए, कितना आए 13, तो अभी हमने हाईएस्ट देखा कितना था, देखो 1 और 1 था, 6 और 6 था, कितना आ रहा था 12 आ रहा था इसका सम। तो यहाँ पे कोई भी ऐसा आपका आउटकम नहीं होगा जिनका सम क्या आएगा दोनों डाइस का 13 से ज़्यादा आएगा, या 13 आएगा सॉरी 13 से ज़्यादा नहीं, कितना आएगा 13 आएगा, तो इसकी प्रोबेबिलिटी भी क्या हो गई 0। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, ये मैंने यहाँ पे सारे आउटकम लिखे नहीं है, तो आप इसमें से देख के लिख सकते हैं सारे आउटकम क्या क्या होंगे, तो इस तरीके से आपको आंसर पता चल जाएगा अपना। तो नेक्स्ट वीडियो में हम जो है कार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन को करेंगे, क्योंकि जितना मैंने एनालाइज किया ना क्वेश्चन पेपर को, कार्ड से रिलेटेड आपका एक क्वेश्चन आता ही आता है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखें, एंजॉय करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उनकी भी एग्जाम प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो पाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।